हाँ नहीं नहीं कर सकते पुश कर में आप कैमल सफारी कर सकते। ओ ये देखिए लाइव एक्सीडेंट। अरे भाई मिट्टी 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 के ये है वॉशरूम भाई। मजा आ गया यार, मतलब इस तरीके की फैसिलिटी और कैंपिंग में 5 स्टार फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही ज्यादा रश है और ये कलाकार यहाँ की सो है गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 1 जनवरी। रात को आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में हमने कैसे कैसे एंजॉय किया था। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज क्या और रात वो प्रॉब्लम क्या हो गई थी भाई, हमारे पास टेंट तो थे लेकिन टेंट खुल नहीं पाया। वो तो इसी टेंट में ना जैसे जैसे एडजस्ट होके सोके, वैसे भी 3-4 बजे सोए थे और अभी बज रहे हैं 7:30 या 8 बजने वाले हैं। और सुबह सुबह अपना किचन चालू, जैसे कि मैं बताता ही हूँ आपको, किचन अपना चालू रहता है और दूध वाले दूध लेके आ गए हैं। अगर दूध की चाहिए तो आप ले सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारा दूध है। तो पानी गर्म कर दिया है पीने के लिए सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग किट्टू। और पीछे हो गया है सनराइज, क्या शानदार व्यू आ रहा है। बस सारी रात गर्मी में थी, गाड़ी में हीटर चला के देखा देखा कौन ज्ञान दे रहा है। हाँ चलो जी सुबह सुबह गर्मा गर्म पानी, गर्मा गर्म पानी बहुत सेहत के लिए सही रहता है और ठंडी सर्दी में तो बहुत ही ज़्यादा। अपने अपने ग्लास उठाओ और एक एक फिनिश करो, मेरा फेस भी दिखा दूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। पीछे भाई सनराइज हो चुका है, राइज हो चुका है, चाय शुरू हो गई है, चाय बनना। अभी भाई टेंट से लोग उठे ही नहीं है, उठो भाई, उठो भाई, नहीं भाई बहुत ठंडी है बाहर। भाई इसमें सो गए थे भाई, ये मैं रात को बोल रहा था दिखाऊंगा आपको मैं बेड, हुंडा सिटी का बेड दिखाऊंगा। अरे बंद हो गया क्या, ये देखो भाई कंप्लीट बेड बन गया। ये लोग तो ऐसे मस्त हो गए, 2 आदमी तो इसमें रात को। बड़ा मतलब एक अजीब सा दृश्य था, यहाँ पर लोग गाड़ियाँ घुमा रहे थे, हम कैंपिंग कर रहे थे तो 2-3 लोकल राइड्स जो यहाँ के थे ना, तो राइड्स दोनों राइडर्स जो थार घुमाते नहीं क्या डेजर्ट में, तो वो लोग ये बार बार आके यहाँ पर करके घूम घूम के जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कह रहे थे लेकिन आप घूम के जा रहे थे ऐसे ही आस पास से। बाकी मज़ा आया रात को यहाँ पर कैंपिंग करके। और राजी क्या हो रहा जी, सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। हाँ यार ब्रेकफास्ट भी आप ब्रश से लेते हो, टाइम क्या हो गया जरा टाइम बताएं। टाइम हो गया है भाई साहब 9:30। टेंट अभी समेटा भी नहीं है देख लो, 8:30 हो गए। वो थार वाले आके बार बार यहाँ पर स्किट मार मार के जा रहे हैं, बोले भैया सफारी करनी है क्या, कैमल सफारी नहीं वो जीप नहीं कैमल की बात कर रहा था, जीप बोल रहा, जीप तो बैन है, जीप सफारी बैन है यहाँ पर। हाँ यहाँ बैन है। हाँ नहीं नहीं कर सकते पुश कर में आप, कैमल सफारी कर सकते। ओ ये देखिए लाइव एक्सीडेंट, लाइव एक्सीडेंट कर दिया बिट्टू ने। अभी गई कहां से, मैं ये देख रहा हूं ये दूध गया कहां। अरे यार ये तो पीछे हो गया। कोई नहीं जी अब तो वॉश करना ही पड़ेगा किचन को। रात को ये ड्यून्स में फंस गई थी और अब देखो इसके नजारे, ये देखो मॉर्निंग में, ये देखो स्किटिंग इसकी ड्रिप। थोड़ा दूर से, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। अरे भाई मिट्टी 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 मिट्टी। तो भाई 9:15 और किचन की साफ सफाई हो गई है, सब पैक हो चुका है और एक गाड़ी तो अपनी निकल गई, उनको थोड़ा जल्दी थी और हम थोड़ा लेट निकलेंगे, थोड़ा पुष्कर तीर्थ में नहा धो के निकलेंगे, नहाए नहीं है यार, नहा के निकलेंगे। और साफ सफाई देखो मैंने कंप्लीट कर दी है, थोड़ा दूध वगैरह बिखेर दिया था चाय तो भी क्लीन करवा दिए, और ये भी थोड़ा सा रात को इसमें मसाला वगैरह वो मैरिनेट किया था तो वो है, ये भी साफ तरीके से कर लेंगे, थोड़ा पानी कम पड़ गया। और अपना एक कैंप शावर है इसको भी पैक कर लेते हैं फिर चलते हैं यार यहाँ से।
निकलने के टाइम पे घोड़े वाले आ गए, भाई क्या लेते हो चार्ज? क्या दोनों का क्या रेट है? इसको बंद करो बाजे को पहले। कहाँ कहाँ राउंड होता है? अच्छा नहीं भाई, नहीं अभी तो हम नहीं करेंगे। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं और 12:03 हो गई है और अब देखते हैं वहाँ पर कुछ पुष्कर लेक में वहाँ पर नहाते हैं या सीधा निकलते हैं, कुछ दर्शनीय स्थल यहाँ के देखने का मौका मिलता है कि नहीं, क्योंकि जाना हमें थोड़ा जल्दी था, लेकिन जो भी होता है देखते हैं आगे। बाकी भाई यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं ना, काफ़ी अच्छी जगह थी कैंपिंग के लिए, मज़ा आ गया हमें तो रात को। और यहाँ पर काफ़ी केमल कार्ट वगैरह ये सब हो रहा है, तो ये थोड़ा फ्रॉड भी है, इनका थोड़ा ध्यान से करना इन सब की चीज़ें, सबसे जो डील करते हो ना थोड़ा ध्यान से, इतना कॉस्टली है नहीं जितना ये बताते हैं, बस मैं इतना ही कहूँगा। बहुत ज़्यादा कोई हर आपको हर 5 मिनट में कोई ना कोई आके आपसे पूछेगा, कोई आपसे मांगेगा कुछ ना कुछ, तो ये सब आप ध्यान रखें यहाँ पर कैंपिंग करते टाइम। चलिए आगे दिखाते हैं कुछ व्यूज आपको। भाई काफ़ी ना वॉशरूम वगैरह ढूंढ रहे थे काफ़ी होटल्स में ना, सब पे गंदा, सब रेस्टोरेंट्स पे, गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी। आपको यहाँ के मैं वॉशरूम दिखाता हूँ, एक तो ये नॉर्मल वाले हैं है ना, मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ इसके पुष्कर में। देखो आप ऐसे लगेगा आपको कि 5 स्टार में, ये देखिए, और स्पेशल खोल के दिया उन्होंने कि आप ये वाला यूज़ करिए। देखिए ये है वॉशरूम, भाई मज़ा आ गया यार, मतलब इस तरीके की फैसिलिटी और कैंपिंग में 5 स्टार फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए यहाँ से करने के बाद फिर निकलेंगे। और वो है सर उनके, उनको ने ये बताया हमें कि यहाँ पर, हाँ आ जाओ, काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है यहाँ पर। तो भाई अपनी गाड़ी को रीसेट कर दिया था तो टाइम ना ख़राब हो गया था, 12 बजे थे उस टाइम शायद, तो मैंने कुछ टाइम गलत बताया। अभी बजे 11:11 और हम फ्रेश वगैरह सब हो लिए, अब कुछ पराठे वगैरह खा लेते हैं, मन कर रहा है अब किचन में क्या ही बनाएं, मतलब मन कर रहा है बाहर खाने का तो खा रहे हैं, बाकी बनाना चाहें तो किचन में बना सकते हैं, अभी सारी चीज़ें हैं अपने पास। तो अभी कोई अच्छा सा पराठे वाला देखते हैं, फिर पराठे खाते हैं, फिर आगे दर्शन करते हैं। तो ये मदन जी का ढाबा है, यहाँ पर अपन ने गाड़ी लगाई है, कुछ यहाँ पर खाते हैं, यहाँ पर अच्छा अच्छा दाल बाटी वगैरह का पूरा सिस्टम है, मक्के की रोटी सारी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर खा लेते हैं कुछ। और हमारे पास अभी एक ही गाड़ी है, एक बता चुका हूँ मैं सुबह, वो दूसरी जो गाड़ी थी उनको जल्दी जाना था, इमरजेंसी थी कुछ, तो वो निकल गए, अब हम 3-4 लोग बचे, तो यहाँ से अब खा के फिर आगे ब्रह्मा जी के टेंपल पे अब जाते हैं और पुष्कर लेक में। तो क्या अच्छा डेकोरेशन है इनका, देखिए क्या अच्छी डेकोरेशन है, सब्जी है, इनका मेन्यू है, उसी में आता है पनीर, नहीं अलग से, पनीर बटर मसाला है, दाल मखनी है, सेव टमाटर है, सेव टमाटर कर दो आप एक फुल। तो भाई ये आ गया लबाबदार खाना और ये बटर छोटू सा, तो अभी खा लेते हैं उसके बाद। तो ब्रह्मा जी टेम्पल और पुष्कर लेक है वो इधर से रास्ता है, और वहाँ पर क्या गाड़ियों की पार्किंग थोड़ी है नहीं, तो गाड़ी अपन ने यहीं खड़ी कर दी और अब पैदल चलते हैं वहाँ, और 2 मिनट का रास्ता बताते हैं, तो चल रहे हैं अपन वहाँ पर, चल के दिखाते हैं। ये जो पशु मेला जो मैदान है ना वो यहीं पर है, ऊँट मेला जो लगता है, और इसके जस्ट सामने से रास्ता है ये आगे, रास्ते में धर्मशाला भी आती है, तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। देखिए अखिल मेघवंश महासभा धर्मशाला है, और एक श्री रामदेव मंदिर धर्मशाला ही है, ये मतलब संस्थान कुछ करके मंदिर में भी, हाँ धर्मशाला टाइप ही है ये भी, तो स्टे करने की व्यवस्था तो खूब है यहाँ पर। देखिए ये एक और है, और प्रजापति भवन, धर्मशाला ही धर्मशाला है भाई यहाँ पर, स्टे का तो मुझे नहीं लगता कोई किसी चीज़ की दिक्कत आई, क्योंकि बहुत सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है ना, जो इतनी धर्मशालाएं तो होती हैं, लेकिन मैंने पहली बार देखी है लाइन से इतनी सारी। ये पूरा मार्केट है यहाँ पर, देखो ब्रह्मा मंदिर सामने है, सावित्री मंदिर उसके ऊपर है, और यहाँ का जो स्टोरी थी मैंने बताई थी लास्ट ब्लॉग में, फिर भी बता देता हूँ कि जो ब्रह्मा जी थे यहाँ पर जो यज्ञ करने के लिए या कुछ हवन करने के लिए बैठ रहे थे, तो उनकी जो धर्मपत्नी जी थी गाय सावित्री जी, वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया गायत्री जी से शादी कर ली और उनके साथ वो हवन पूरा किया। तो जब ये सावित्री जी को पता चला तो वो गुस्से में हो गई, और गुस्से में होने के बाद उन्होंने एक श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को कि ये आपका एकमात्र यही मंदिर रहेगा, आपका दूसरी जगह का ही मंदिर होगा नहीं इस दुनिया में। और वो खुद तो फिर यहाँ पर जो उनका सबसे बड़ा मंदिर विश्व में एकमात्र यही है,
सावित्री जी खुद रत्नागिरी पहाड़ी पर सबसे ऊपर जाके बैठ गई, और किसके लिए? ब्रह्मा जी पर नजर रखने के लिए। तो आप समझते होंगे उसके लिए सबसे बड़ा इस पुष्कर में सबसे ऊंचाई पर सावित्री जी का ही मंदिर है ऊपर। तो ये इसकी पीछे की कहानी है जो मैंने छोटी सी आपको बताई। तो जो सामने दिख रहा है ना वो रघुनाथ जी का मंदिर, और इसके इधर ये अपना ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो हम अंदर तो जाएंगे नहीं, भीड़ काफ़ी है, अभी पुष्कर लेक चलते हैं। ये देखिए वो सामने ऊपर जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर, एकमात्र विश्व का, और इतनी ऊंचाई पर है। इससे भी ऊपर फिर रत्नागिरी पहाड़ी पर सावित्री जी का। तो ये पूरी लाइनें लग रही हैं, भीड़ देखिए 1 जनवरी के दिन। तो हम ऊपर तो जाएंगे नहीं, लेक की तरफ चलते हैं। लेक है उधर, उधर भी काफ़ी सारी भीड़ है भाई, इतनी भीड़ है। मोदी जी की टी शर्ट देख लो, भीड़ में कहीं घूमना हो जाए ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा रश है। और ये कलाकार यहाँ की ये भाई हर कोई ये के काला कावे वाला ही गाना चलाते हैं, सब एक ही सीख के आते हैं यहाँ पे। इस तरह का मार्केट, शहद बेच रहे हैं, कई लोग देख रहा हूँ शहद लेके बेच रहे हैं यहाँ पे। ये कस्टम का माल है भाई, तलवारों का कस्टम, तलवारी तलवार आ गई है भागे राजस्थानी। इस तरीके से ज़्यादातर मिल भी जाएंगे आपको गायों से, इस तरफ से 20-20 रुपये पैसे मांगने वाले भाई। तो भाई पुष्कर लेक जाने का रास्ता तो बड़ा टफ ही है भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप देख ही सकते हैं कितनी सारी भीड़ है, मतलब एक दूसरे से टच होके निकलना पड़ रहा। तो भाई ये है एंट्री पुष्कर लेक का, सबकी तरह हम भी लोग खा लेते हैं। दिख रहा होगा पुष्कर लेक, तो यहाँ पर ये इस तरह का दृश्य है। मंदिर है छोटे छोटे, ये संकट मोचन जी का है। नीचे चप्पल जो तो यही निकाल देते हैं और फिर नीचे वहाँ पर डुबकी लगाते हैं। तो वहाँ पर पूरा तीर्थ स्थल है। ये तीर्थ स्थान है पूरा, इसे गाय वगैरह है। लोग बिल्कुल भी मतलब कोऑपरेटिव नहीं है यहाँ पर, अभी बाइक चलाता हुआ रहा था लोकल एक पर्सन, तो वो लड़ाई करने लग रहा है, गाली दे रहा है कि जाएगा तू यहाँ से, क्योंकि तुम लोग आए हो, मैं तो यहाँ का लोकल हूँ। तो ऐसे लड़ रहे थे, मतलब बिल्कुल ही अच्छा इनका व्यवहार तो नहीं है, इनको समझना चाहिए कहाँ तीर्थ स्थल पर आके, और तुम लोकल हो तो इसका मतलब ऐसे गाली बलोच नहीं करते, बाकी अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें, बिल्कुल गलत है। कोई बाहर से आता मेहमान समझते नहीं कोई किसी को, ये समझ रहे कि हम दादा हो गए यहाँ पे, गलत है तो गलत ही है। ये तीर्थ स्थान के सम्मान तो कोई नहीं कर रहा। तो एक और घाट पे आगे चलो, एक बार नीचे चले आते हैं, एक बार नीचे चले आते हैं भाई। देखो कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, छोटी सीढ़ियों पे भी ये पूजा अर्चना हो रही है, पूजा अर्चना इस तरीके से करते हैं। क्लियर है पानी यहाँ पे, ये है भाई पुष्कर लेक, तीर्थों का राजा तीर्थराज। और यहाँ पर ये पूजा करवाते हैं जगह जगह पे, जैसे घाट होते हैं यहाँ पे, कई घाट हैं, चारों तरफ घाट ही घाट दिखेंगे आपको, चारों तरफ घाट ही घाट है। बाहर से भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पर।
यहाँ से चलते हैं वापस अपने गाड़ी की तरफ और फिर आगे का करते हैं कार्यक्रम। अभी भीड़ है भाई, टाइम लग जाएगा मुझे आधा घंटा, यहाँ से निकलने में। चले चलो, तो भाई दर्शन करके आ गए और अब चलते हैं भाई जयपुर की तरफ। यहाँ पर जो तीर्थ स्थान थे मैंने दिखा दिए, पुष्कर वगैरह, बाकी अब अगली ट्रिप में करेंगे कवर। चलते हैं जी यहाँ से, टाइम हो गया है 1:15, अब निकलते हैं। तो फाइनली जयपुर आने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं, 2:30 बज चुके हैं और अभी लगभग आधे घंटे में हम जयपुर होंगे। तो इस व्लॉग को करते हैं एंड और जल्दी मिलते हैं आपको नए किसी व्लॉग में, नए किसी ट्रिप पर। अगर अच्छा लगा व्लॉग तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।